नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। मेगाबाद प्रखंड क्षेत्र के लोक आस्था और विश्वास का केंद्र परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में विवाह हेतु उमड़ी भीड़, कई जोड़ों का हुआ विवाह संपन्न। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में विवाह हेतु हर सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। साथ ही कहा कि यहां प्रेमी युगल जोड़ी की शादी निःशुल्क दूरस्थ व्यवस्था में संपन्न कराई जा रही है। गौरतलब हो कि विवाह उत्सव प्रारंभ हो चुका है। दूर दराज के लोग मंदिर परिसर में आकर अपने अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैकड़ों विवाह संपन्न होने का आंकलन किया जा रहा है। इधर मंदिर के प्रधान सेवक जगन्नाथ प्रसाद मंडल ने कहा कि गरीब जोड़ों का विवाह निःशुल्क किया जाएगा और उसे विवाह में मदद भी की जाएगी। आइए देखते हैं और क्या कहते हैं श्रद्धालुगण और मंदिर का भव्य अलौकिक दृश्य जहाँ पर विवाह संपन्न कराया जा रहा है। तो फिर आप बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी, तो अभी आप यह नजारा जो देख पा रहे थे, अलौकिक दृश्य, यह परम अलौकिक जगन्नाथ धाम का दृश्य है जो बेंगाबाद में अवस्थित है। बताते चलें कि लोक आस्था का, विश्वास का केंद्र यह परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में विवाह उत्सव अब प्रारंभ हो चुका है। दूर दराज से लोग यहां पर विवाह कराने का भीड़ उमड़ पड़ता है और काफी तादाद में लोग यहां पर आते हैं। विवाह का सीजन अब प्रारंभ हो गया है और निश्चित रूप से यहां पर सैकड़ों शादियां यहां पर होती है। हमने कई बार विधायक से विवाह भवन के लिए गुहार भी लगाया है लेकिन अब तक सुध नहीं ली गई है। सांसद महोदया को भी कहा गया है लेकिन वो यहाँ वहाँ पर्यटक क्षेत्र बनाने पर तुली हुई है, लेकिन जहाँ पर गरीब जनता, लोगों को, जनता को लाभ मिलेगा वहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ये बिल्कुल खेद वाली बात है। जगन्नाथ धाम खेद प्रकट करती है और दुख भी व्यक्त करती है कि हमारे यहाँ का सांसद अन्नपूर्णा देवी जो भाजपा से हैं और धर्म अध्यात्म के मामले में काफी माहिर है, इसके बावजूद भी वो अनदेखी कर रही है, तो कहीं ना कहीं कमी वाली बात दिख रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर यह जो देख पा रहे हैं यह सांस्कृतिक भवन है। यहाँ पर विवाह के उपरांत या विवाह के पहले दूल्हा दुल्हन के लिए यह व्यवस्था, पूरी तरह व्यवस्था साज सज्जा यहाँ पर किया गया है। थोड़ा सा नजारा दिखा देंगे, हमारे आदर्श कैमरामैन से आग्रह होगा, थोड़ा सा आप दिखा देंगे नजारा, अंदर का लाइट थोड़ा जला करके दिखा दीजिए। जो देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्यालय भी बना हुआ है और इस कार्यालय में रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, कपड़े चेंज करने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है और बगल में शौचालय की भी व्यवस्था दी गई है। सारी सुविधाओं से लेस है यहाँ पर। अगर आपको अपने रिश्तेदार, अपने कजन, अपने जानने वालों को शादी विवाह के लिए अगर व्यवस्था तरीके से चाहिए, और बताते चले कि लड़कियों का शादी यहाँ पर निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं लगता है। लड़के लोग जो तिलक दहेज लेते हैं भैया, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ मंदिर में दान दक्षिणा करना पड़ेगा, तो उनको करना पड़ता है, और बाकी लड़की को बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर सारी सुविधाएं दी जाती है, कुर्सी चेयर वगैरह की व्यवस्था दी जाती है। अभी आप जो विहंगम दृश्य जो देखें यहाँ पर, कहाँ कहाँ से आए भैया आप लोग, थोड़ा इधर आइएगा, कहाँ से आए, कहाँ का लड़की है, कहाँ का लड़की है, जमुआ प्रखंड से है, घर चाची का यहाँ पर अभी शादी करने के लिए आए हुए हैं। और दूसरा लड़का कहाँ का है, लड़का महेश मुंडा का है। जो आप देख पा रहे हैं यह नजारा जो परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में यज्ञशाला में शादी समारोह आयोजित की जा रही है और काफी तादाद में लोग इसका आनंद लेते हैं। अभी नजारा आप तो देख ही पा रहे थे, एक बार कैमरामैन से आग्रह होगा कि एक बार मंदिर का दृश्य दिखा दें, लोकेशन भी थोड़ा सा घुमा करके चारों तरफ दिखा दें। तो रहने की, ठहरने की, खाने पीने की हर एक सुविधा यहां पर उपलब्ध है। जरूरत है लोगों को समझने की और अगर अच्छा लगे तो आने की और आकर के अपना विवाह संपन्न कराने की। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप शिवलिंग जो यहाँ पर है, स्वतः प्रकट शिवलिंग है, नॉट आर्टिफिशियल, ओरिजिनल शिवलिंग है। दर्शन करें बाबा का, आशीर्वाद लें और अपने जीवन, जो जहाँ जिनका शादी हो, मनोरम उनका जीवन हो, यह जगन्नाथ धाम मंगल कामना करती है। यह नजारा आप देख पा रहे थे। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ के जो लोग हैं बताएंगे आपको, जानकारी देंगे, महेश महतो जी बताएंगे यहाँ के स्थान के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी, आज अलौकिक जगन्नाथ धाम में हम लोग शादी समारोह में शामिल हुए हैं और आज फर्स्ट शादी हो रहा है, अगहन में शादी हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है, है ना, शुरुआत हो गई है शादी का। और जिस तरह यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं पिछले बार से, इस बार ज्यादा होने वाला है शादी, क्योंकि शुरुआत ही रुझान दिखाई दे रहा है कि शादी का ज्यादातर यहाँ लोग आएंगे। और जिस तरह आप अभी बात किए कि सांसद महोदय या विधायक को
देना चाहिए यहाँ पे फंड विवाह भवन के लिए, ताकि लोगों को, गरीब लोगों को सुविधा मिले और यहाँ बढ़िया ढंग से शादी विवाह करके अपना अच्छा से मैंने जा सके, आ सके, ठहर सके, क्योंकि यहाँ पे कोई तरह का हल्ला हुजत नहीं होता है। शादी अच्छा धूमधाम से मना सकते हैं, लोकल लोग भी आते हैं, दूर से भी आते हैं। खुशी हुई आपका जगन्नाथ धाम आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी महेंद्र जी, आइए और अपने रिश्तेदारों को भी खबर कीजिए। यहाँ पर झूला का भी व्यवस्था है, झूला दिखा दिए थे जी, तो आप देख पा रहे थे नजारा। देखिए कविता जी हैं, इनका शादी भी हो गया था, यहाँ करना चाहती है, लेकिन बहुत सरिया इनका ससुराल हो गया है। इंगेजमेंट के लिए यहाँ प्लान बन रहा है, इंगेजमेंट जो है रिंग सेरेमनी हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर करें। खैर इनका मामा घर यहाँ पर है तो इनका तो है ही, और लक्ष्मी जी हैं। निश्चित रूप से यहाँ जो है अलौकिक स्थान है और लोग देखते हैं, आनंद मिलता है। और आप लोग से भी हम चाहेंगे कि आप लोग भी पधारें और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें और पुण्य का भागी बने और बने भी रहे बीएनबी के साथ, और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। शंभु 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 मा देवा, शंभु 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 मा देवा, हरे शंभु 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 मा देवा, शंभु 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 मा देवा, हरे शंभु 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 मा देवा, शंभु शंभु सारे सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा बसंतम हृदयार विंद भवम भवानी सहितम नमामि, कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिमा जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिमा निर्जरी विलोलनी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी